friends, good morning and welcome to my YouTube channel with my name Vivek Pachaur. As you all know that I am a research scholar in Diyarbakır Education Institute and I teach online with the help of my YouTube channel and I have posted more than 19 videos and this is going to be my 93rd videos, 93rd. This is the 93rd video on my YouTube channel. I will discuss a very important topic today. I will tell you, as you all know that I am related to electronics, so almost all the topics are related to electronics and some topics are very general topic when I discuss sometimes. So you come to know, so let me run this point. Now let's start with today's discussion. I will tell you what are logic gates and I will tell you what is their switching surface. So this is our topic of discussion. Logic gates and their switching circuits. So first of all, let me tell you what are logic gates. मैं आपको यहाँ पर बताने का जा रहा हूँ कि logic gates क्या होते हैं और उनके switching circuits क्या होते हैं. तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अलग पांडे जी कहा करते हैं, तो उसी तरीके से मैं कॉलेज में ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर हूँ. वो फुली तरीके से प्राइवेटली वर्कआउट करते हैं, लेकिन मैं जो है कॉलेज से भी एसोसिएटेड हूँ. मैं पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ और कभी कभार मौका मिलता है तो फुल टाइम भी काम करता हूँ. लेकिन कई सारे मेरे वीडियोस हैं जिनको 6000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा और 2000 से ज़्यादा व्यूज मिले हैं. तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि लोग मेरे वीडियोज को देखते हैं. कुछ वीडियोज ऐसे भी रहेंगे जो बिल्कुल नहीं होते हैं, जिनको 100 व्यूज, 200 व्यूज, 300 व्यूज मिले हैं सिर्फ. तो मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियोज को भी देखें और यदि आपको लगता है कि मेरी बात पर दम है, मेरे पढ़ाने के तरीके पर दम है, तो आप प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने की कोशिश करें. कहने का मतलब क्या है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. लॉजिक गेट्स. सबसे पहले तो हम समझते हैं लॉजिक क्या होता है. हमारे दिमाग में लॉजिक होता है, जैसे घर में शादी होती है तो शादी के लिए पंडित जी को बुलाते हैं. पंडित जी अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग शादी करवाते हैं, हवन करवाते हैं. तो पंडित जी अपने दिमाग में एक लॉजिक को रखते हैं, उस लॉजिक के आधार पर वो क्रिया करवाते हैं और वो क्रिया लिखित है, चाहे गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, सारे पुराणों के अकॉर्डिंग क्रियाक्रम कराया जाता है. चाहे वो शादी का क्रियाक्रम हो या फिर किसी की अंत्येष्टि क्रिया हो या फिर किसी का जन्म दिवस हो या किसी का कोई उद्घाटन समारोह हो, हर कार्य विधि की एक क्रियाकलाप होता है, उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को किया जाता है. इसी क्रियाकलाप को हम लॉजिक बोलते हैं. दिस इज ओनली नोन एज लॉजिक. मीन्स या तो आप हाँ बोलेंगे या फिर आप ना बोलेंगे. मीन्स यस और नो के बीच में जो डिसीजन लेने का तरीका है उसको ही हम बोलते हैं लॉजिक. अब इसको हम मशीन के फॉर्म में यस को बोलते हैं वन, द यस इज नोन एज वन एंड द नो इज नोन एज जीरो, वन एंड जीरो. तो अगर ट्रू की बात हो रही है, ट्रू का मतलब क्या है, यस, और इसका मतलब क्या है, वन. फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है, नो, और इसका मतलब क्या है, जीरो. देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार की चीजें होती हैं, वन इज एनालॉग एंड अदर इज डिजिटल. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे इसका मतलब क्या है. तो जब भी हम अपनी बातों को लिमिटेड सेट ऑफ वेरिएबल से बोलते हैं, सिर्फ हा या ना, इससे कम डिजिटल अल्फाबेट्स नहीं हो सकते. कम से कम दो चीजें तो आपको रखनी ही पड़ेंगी, हा या ना. हा, थोड़ा सा हा और थोड़ा सा हा और थोड़ा सा हा और थोड़ा सा हा, ये होता है एनालॉग. ना, थोड़ा सा ना और थोड़ा सा ना और थोड़ा सा ना, ये होता है एनालॉग. लेकिन हा या ना ये होता है डिजिटल, ये होता है डिजिटल. तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमको समझना है कि लॉजिक क्या होता है और इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में तीन प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनको मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा उनके स्विचिंग सर्किट्स क्या होते हैं.
इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लॉजिक गेट तो हर एक कोई जानता है, लेकिन उनके स्विचिंग सर्किट्स को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको जो है चीजें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो पहला गेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला गेट है आपका, फर्स्ट गेट इज नोन एज और गेट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सिंबल ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ द और गेट। यहां पे इनपुट ए है, इनपुट बी है और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आपको मिलेगा। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल में आपको क्या मिलेगा, जहां पर आपको एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या मिल रहा है आपको। तो जब दो केस, दो इनपुट होते हैं तो चार पॉसिबिलिटी होती है। ये सारे जितने भी डिजिटल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं 0 0 1 1। पहले दो जीरो लिख दिए, फिर बाद में दो बन लिख दिए 0 1 0 1। यही चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई पांचवी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर कोई पांचवी पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा है तो वो इनवैलिड है। ठीक है, हालांकि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, हमें ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में बिलीव करना चाहिए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आप नहीं सोच सकते। तो इसमें अब होता क्या है, व्हेन और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है y इक्वल्स टू a प्लस, दिस इज द, यहां पे प्लस इज द ऑपरेटर फॉर द और गेट। तो y इक्वल्स टू a प्लस b, 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 1 0 1 1 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब भी दोनों इनपुट 0 होंगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, जब भी दोनों में से एक इनपुट 1 होगा तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। सेकंड केस है, थर्ड केस, और जब दोनों इनपुट होंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये आपका और गेट, दिस इज द लॉजिक एंड द ट्रुथ टेबल फॉर द और गेट। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी दोनों इनपुट 0 हो गए तो आउटपुट आपका 0 होगा, जब भी दोनों इनपुट में से एक इनपुट ऑन होगा या दोनों इनपुट ऑन हो गया तो आपको आउटपुट मिलेगा। वही ये ट्रुथ टेबल बताता है। तो जनरली ये सारी चीज, ये जो मैंने आपको बताई, जनरली स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानते वो इसका स्विचिंग सर्किट है, वो नहीं जानते हैं। इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा आपके सामने। कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो आपको इस सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज अ बल्ब एंड दिस इज अ बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। दिस इज स्विच ए, दिस इज स्विच बी। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर सर्किट को देखिए और मुझे ये बताइए कि किस केस में आपका बल्ब ऑन करेगा, जब ए ऑन होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जब बी ऑन होगा, जब बी ऑन होगा तो भी बल्ब जलेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरीके से। लेकिन ये जब ऑफ कब होगा, जब ए एंड बी दोनों ऑफ होंगे तो आपका बल्ब ग्लो, यानी कि इस फिलहाल स्थिति में दोनों स्विच ऑफ है तो करंट ग्लो नहीं करेगा। तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट फॉर डी और ए। और जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे, ए एंड बी ऑन हो जाएंगे तो बल्ब चलेगा ही चलेगा। दिस इज द स्विचिंग सर्किट फॉर द और ये दो चीजें को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और इसको समझ गए तो इससे ज्यादा अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो
क्योंकि यही इसका सचिन सर्किट है क्योंकि ऑल गेम को दर्शाता है। बाकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन तो डायोड और जो ट्रांजिस्टर्स और जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। इंटरनल फैब्रिकेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको गेयर साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो बेसिक है उसको समझिए कि गेट क्या होता है और गेट का सचिन सर्किट। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा और गेट, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंड गेट। Let's start the discussion for the end game. या समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप पॉज करके फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और आपको जो है समझ में। अब उसके बाद जो दूसरा गेट है हमारा वो है एंड गेट। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लीजिए, इनपुट ए इनपुट बी इनपुट पढ़ लीजिए आउटपुट वाई। y is equals to a dot b, यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट किया है, कैसे मिलेगा y is equals to a dot b। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, ट्रुथ टेबल देखिए क्योंकि इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दिस इज इक्वल्स टू इनपुट a इनपुट b आउटपुट a, दो इनपुट है तो चार पॉसिबिलिटी होंगी। जीरो जीरो के केस में मिलेगा आपको जीरो, जीरो वन के केस में भी जीरो, वन जीरो केस में भी जीरो, वन वन के केस में भी वन। ठीक है, तो दिस इज दी एंड गेट। अब इसको समझने के लिए सिंपल आप ऐसे ऐसे सोचिए कि जब भी दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, बाकी के केस में जब चाहे दोनों ऑफ हो या एक ऑफ हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। दिस इज द सिंपल डिस्कशन फॉर द एंड गेट। अब इसका जो स्विचिंग सर्किट है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसका स्विचिंग सर्किट कैसा है, इनपुट ए इन द करस्पॉन्डिंगली आउटपुट
वाई, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट और इसको मिल सकते हैं ए डैश। तीन चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई इक्वल्स टू ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बार भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है और डैश भी है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगी आप देख लीजिए, ट्रुथ टेबल ए सॉरी का मीनिंग यहाँ पे मिस्टेक, सो दिस इज ए एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई। जब सिर्फ एक इनपुट होता है तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर जीरो और वन। यही हमारा डिजिटल का फायदा है, यहाँ पे जीरो होगा या फिर वन। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो जीरो की केस में वन ऑन होगा, वन ऑन की केस में वन ऑफ होगा, यही इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आउटपुट जो है इनपुट के अपोजिट आता है, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, जब आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब समझिए, आप अपने दिमाग में सर्किट बनाइए कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो कि उल्टा काम करता है, ऐसा सर्किट जो उल्टा काम करता है उसी को हम नॉट गेट या करस्पॉन्डिंगली इट्स स्विचिंग सर्किट बोला। तो मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, हमने बैटरी लगाया या हमने स्विच लगाया, ठीक है, और ये हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, इसको आप समझ गए तो आप सारी कहानी इलेक्ट्रॉनिक्स की समझते चले। अब यहां पे क्या है, दिस इज द बैटरी, दिस इज द स्विच ए, अगर बल्ब ऑन हो गया, सॉरी स्विच ऑन हो गया, अगर स्विच आपका ऑन हो गया तो करंट सारा फ्लो इधर करेगा, क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से बल्ब लगा हुआ है और बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस, एंड करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, करंट सिर्फ इसी पाथ में घूमता रहेगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है और यहां पे इसको पाथ मिल चुका है, तो इसी पाथ में लूप बना के घूमता रहेगा, इधर बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। लेकिन यदि स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब ऑन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यदि हम जो है स्विच को ऑफ कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो करंट इधर जाने की बजाय करंट इधर जाएगा और आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस सर्किट इज द करस्पॉन्डिंगली स्विचिंग सर्किट फॉर द वोल्टेज। तो आपको समझ में आ गया होगा एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट और उस उनके करस्पॉन्डिंगली स्विचिंग सर्किट आपको समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये स्विचिंग सर्किट है फॉर द करस्पॉन्डिंगली नॉट गेट। आई थिंक अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर देता हूं। इस वीडियो में आपको बताया लॉजिक गेट्स और एंड एंड नॉट और उसके करस्पॉन्डिंगली स्विचिंग सर्किट। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विचिंग सर्किट है वो नॉट गेट का ही है, क्योंकि अभी मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट लॉजिक तो आप समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते तो उसको याद कर लेते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली स्विचिंग गेट स्विचिंग सर्किट को नहीं समझ पाते, उसको समझना बहुत। Friends and my dear student, thank you for watching this video. If you like the video, please like it, comment about it, subscribe the channel and share the video if you really like it. So thank you, thanks for watching, have a nice time and have a nice day. Thank you.